और आज मैं लेकर आया हूँ बहुत अच्छी मोरल स्टोरी। बहुत से लोग बोलेंगे सर आप मीनिंग पहले क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मीनिंग बताने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है और बाद में आकर उन मीनिंग का मतलब उन वर्ड्स का आपको मीनिंग आखिर बताता ही हूँ। मतलब वो डबल डबल काम हो जाता है, उसका मीनिंग बाद में आपको बताता ही हूँ और फिर उसे पहले पढ़ता हूँ, तो इससे टाइम बहुत ज्यादा लगता है, वही वही रिपीट होता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट मीनिंग होगी वो तो आपको बताने वाला हूँ, मीनिंग भी बताऊंगा, प्रोनाउंसिएशन बताने वाला हूँ, ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करेंगे। चलिए देखते हैं आज की मोरल स्टोरी, बहुत ही अच्छी है स्टोरी। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट स्टोरी में, आपको क्या सीखने को मिलेगा नीचे कमेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है? आपको नीचे दिखा दूंगा मैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पसंद आने प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। फोर एनिमल्स यानी चार जानवर, देखिए एफ पढ़ा लिखा हुआ, चार जानवर। अ वाइल्ड कैट, वाइल्ड कैट, कैट लिखा, वाइल्ड कैट यानी होता है जंगली बिल्ली, एक जंगली बिल्ली। अ मंगूस, मंगूस यानी क्या होता है, नेवला, एक नेवला, ठीक है। अ वाइल्ड कैट, अ मंगूस, अ माउस, एक चूहा, तीन जानवर हो गए। और देखिए चौथा कौन है, एंड और एन आउल, एक उल्लू। क्लियर हो गया, जंगली बिल्ली, नेवला, चूहा और एक उल्लू, ये चार जानवर। हैड मेड देयर होम, हैड मेड, अब हैड के साथ मेक का थर्ड फॉर्म मेड लिखा हुआ है, यानी कि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, लिया था, चुका था, किया था, ऐसे यूज होता है। तो देयर होम यानी उनका घर या अपना घर, तो क्या होगा इसका मतलब, हैड मेड देयर होम यानी अपना घर बनाया था, अपना घर बनाया था। इन अ ह्यूज बैनियन ट्री, इन यानी में, इसमें अ ह्यूज, ये ह्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। अ ह्यूज यानी एक बड़ा, बहुत बड़े को ह्यूज बोलते हैं। बैनियन ट्री, बैनियन यानी होता है बरगद, ठीक है, ट्री यानी पेड़, बहुत बड़े बरगद के पेड़ में तीनों ने अपना घर बनाया था। इन द कंट्री ऑफ विदेशा, इन यानी में, द कंट्री, कंट्री यानी वैसे तो देश भी होता है और इलाका भी होता है, ऑफ द विदेशा, विदेशा जगह का नाम है, तो विदेशा शहर में, विदेशा इलाके में, अभी विदेशा देश में, उसने अपना बरगद के पेड़ पे उन्होंने अपना घर बनाया था। इस प्रकार से है कि किन्हों ने, चारों ने घर बनाया था उसी पेड़ में ही। अब कैसे कैसे रहते थे देखिए, द माउस एंड द मंगूस लिव्ड एट द फुट ऑफ द ट्री, द माउस चूहा एंड और द मंगूस नेवला लिव्ड, रहते थे, लिव यानी रहना, सेकंड फॉर्म लिव्ड, रहते थे, एट, एट यानी पर, कहां पर, द फुट ऑफ द ट्री, फुट यानी होता है पैर, पेड़ का पैर तो नहीं होगा, यानी पेड़ के नीचे के भाग में, यानी कि जहां पर पेड़, पेड़ का जड़ होता है नीचे का भाग, वहां पर, ऑफ द ट्री, पेड़ के नीचे। इन, इन यानी में, टू डिफरेंट होल, डिफरेंट यानी अलग अलग होल्स यानी बिलो में, छेद में, छेद यानी होल होता है, बिल को भी होल कहेंगे। तो कहाँ रहते थे मंगूस और चूहा, पेड़ के सबसे नीचे भाग में, अलग अलग बिलो में रहते थे दोनों। द कैट लिव्ड इन अ लार्ज होल, द कैट बिल्ली लिव्ड रहती थी इन यानी में, अ लार्ज होल यानी बड़े छेद में, बड़े छेद में रहती थी। हाफ वे, हाफ वे यानी होता है आधा हिस्सा, आधा रास्ता। अप, अप यानी ऊपर, द ट्री यानी ऊपर पेड़ के आधे रास्ते पर, यानी जैसे कि ये पेड़ है मान लीजिए, ये नीचे में एक में नेवला रहता है, एक में मंगूस रहता है, तो यहाँ पर भी बड़ा खोखला था, वहां पे जगह था जहां पे बिल्ली रहती थी यहाँ पे, ठीक है। हाफ वे यानी पेड़ के बीच मार्ग पर, आधे रास्ते पर, यहाँ पे इस खोखले जगह में बिल्ली रहती थी। क्लियर हो गया, बड़े छेद में। अब क्या हुआ, एंड द आउल, और द आउल यानी उल्लू लिव्ड, रहता था उल्लू, कहाँ रहता था, इन द ब्रांचेस, इन यानी में, द ब्रांचेस, ब्रांचेस यानी क्या होता है, पेड़ की शाखाओं को ब्रांचेस कहते हैं, जैसे पेड़ है मोटे मोटे ऐसे और शाखा निकले रहते हैं ना, उसे हम ब्रांचेस कहते हैं, तो पेड़ के शाखाओं में उल्लू रहता था। अब पता चल गया चारों कहाँ कहाँ रहते थे। अब क्या हुआ स्टोरी में, द कैट वॉजंट स्केयर्ड ऑफ इट्स नेबर्स, द कैट बिल्ली वॉजंट, ये क्या लिखा है, वॉजंट यानी वॉज नॉट यानी नहीं होती थी, क्या नहीं होती थी, स्केयर्ड, स्केयर्ड यानी होता है डरना, तो वॉज नॉट स्केयर्ड यानी नहीं डरती थी। ऑफ, ऑफ यानी से या कि, किससे, इट्स, इट्स यानी उसके नेबर्स, नेबर्स यानी होता है पड़ोसियों से, वो अपने पड़ोसियों से नहीं डरती थी। एंड मूव्ड, और मूड, मूड यानी चलना, इधर उधर चलना। अबाउट फियरलेस, अबाउट फियरलेस यानी होता है निर्भीकता से, बिना डरे, फियरलेस यानी, फियर यानी डर होता है,
फियरलेसली, सॉरी फियरलेसली क्या निर्भीकता से, यानी बिना डरे, वो बिना किसी भय के इधर उधर घूमते रहती थी, मूव करना ने चलती थी बिना किसी डर के, उसे कोई डर नहीं था। द आउल एंड द मंगूस वर अफ्रेड, द आउल उल्लू एंड यानी और द मंगूस नेवला वर यानी थे, क्योंकि दो लोग ऐसे वर लिखा हुआ, एक होता तो वॉज लिखते। अफ्रेड, अफ्रेड यानी क्या होता है, भयभीत, यानी वही डरा हुआ ना, भयभीत थे ऑफ द कैट यानी बिल्ली से, एंड केप्ट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम इट, एंड केप्ट, केप्ट यानी रखा, कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखा, और क्या करते थे, रखते थे अ सेफ डिस्टेंस यानी सुरक्षित दूरी, सेफ यानी सुरक्षित, डिस्टेंस यानी दूरी, फ्रॉम इट, फ्रॉम यानी से, इट यानी उससे, किससे, बिल्ली से, कैट से, सुरक्षित दूरी रखते थे भैया, कभी भी खा सकते हम लोग, तो डरते थे, बिल्ली नहीं डरती थी किसी से। द माउस लिव्ड इन मोर्टल ड्रीड, द माउस बिल्ली लिव्ड रहती थी इन यानी में मोर्टल ड्रीड, मोर्टल ड्रीड यानी मतलब क्या होता है, मृत्यु के भय, मौत का डर, उसे मोर्टल ड्रीड कहते हैं, मृत्यु के भय से, भय में रहती थी, ऑफ ऑल थ्री नेबर्स, ऑफ यानी से, ऑल यानी सभी, थ्री नेबर्स यानी तीनों पड़ोसियों से। लेकिन ये जो चूहा था वो क्या करता था, मृत्यु के भय से यानी डर के भय से, सॉरी डर के भय, मौत के भय से, मौत के डर से वो क्या करता था, वो तीनों तीनों पड़ोसियों से डर के रहता था कि मैं मर जाऊंगा करके। क्यों? क्योंकि भाई चूहे को तो नेवला भी खा सकता है, बिल्ली भी, और उल्लू तो खाता ही है, समझ लीजिए बिल्ली भी खाती है, तो ये तीनों के डर से रहता था। सिर्फ डरता कौन था, बिल्ली, बिल्ली से ये दोनों डरते थे, और चूहा सबसे डरता था। आपको समझ आ रहा ना क्या बोलना चाह रहा हूं, एंड में और क्लियर हो जाएगा। अब क्या हुआ, वन डे एक दिन द कैट वॉज कॉट इन अ ट्रैप, ट्रैप यानी क्या होता है, ट्रैप में से, ट्रैप यानी होता है जाल। एक दिन द कैट यानी बिल्ली वॉज कॉट यानी पकड़ी गई इन यानी में अ ट्रैप, ट्रैप यानी होता है जाल, लेड, लेड यानी लिटाया गया, लेकिन बिछाया गया पर मतलब, ठीक है, बिछाया गया था बाई यानी द्वारा, किसके द्वारा, अ हंटर यानी शिकारी, एक शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में बिल्ली पकड़ी गई, कैच यानी पकड़ना, कॉट यानी पकड़ा, पकड़ाना यानी पकड़ी गई। अब क्या हुआ, इट्स थ्री नेबर्स वॉच्ड हैपली, इट्स यानी उसके, थ्री नेबर्स तीनों पड़ोसियां है ना, वॉच्ड, वॉच यानी ध्यान, वॉच यानी देखना, यानी ध्यान से देखने को वॉच बोलते, वैसे तो सी यानी भी देखना होता है, लुक यानी भी देखना होता है, लेकिन वॉच करना है किसी चीज को ध्यान से देखना, जैसे आप नहीं बोल सकते आई एम सीइंग द टीवी, आई एम लुकिंग द टीवी, वॉच आप क्या बोलते हैं, आई एम वॉचिंग द टीवी, क्योंकि आप टीवी को ऐसे चलते फिरते नहीं देखते, और टीवी को देख लिया बंद, टीवी को नहीं, वॉच करना है ना, टीवी में आप कुछ भी चीज देखते हो थोड़ा ध्यान से देखते हो, वॉच करने ना होता है ध्यान से देखना, तो आप मैच भी देखते हो क्या, तो वॉचिंग द मैच, मैच देखता यानी ध्यान से मैच देख रहे हो, तो ध्यान से देखने को वॉच बोलते हैं, इसी से वॉचमैन बना है, जो ध्यान देता है, ध्यान से देखता है कोई आने जाने वाले को, ठीक है, इसलिए सी की जगह वॉच का यूज होता है। तो वो वॉच उन्होंने देखा, क्या देख रहे थे वो लोग, उन्होंने देखा हैप्पली यानी खुशी से, ठीक है, तीनों पड़ोसियों ने खुशी से देखा, एज, एज यानी क्योंकि, इट स्ट्रगल, अब एज यानी के रूप में भी होता है, क्योंकि भी होता है, जबकि होता है, ठीक है, इट स्ट्रगल, उसके स्ट्रगल यानी क्या होता है, उसकी कोशिश को, स्ट्रगल यानी क्या होता है, उसके परिश्रम को, मेहनत को, इन वेन व्यर्थ, बेकार, वेन यानी बेकार, बेकार की कोशिश को उन्होंने देखा, टू गेट आउट, गेट आउट यानी बाहर निकलने के लिए, ऑफ द नेट, नेट यानी भी जाल होता है, नेट से बाहर निकलने का उनका जो बेकार का जो परिश्रम था, उसकी जो मेहनत थी, उसे उन्होंने क्या किया, देखा कि अरे बेकार का मेहनत कर रहा है, निकलने वाला है नहीं, इन विच, इन विच यानी जिसमें, ठीक है, इट हैड बीन इंश्योर्ड, सॉरी इट हैड बीन, वो हो गया था, क्या हो गया था, यहाँ पे देखिए आपको नया वर्ड मिल रहा है, इसको आप लोग लिख लेंगे इंसनेड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे इंसनेड, इंसनेड यानी होता है, इंसनेड यानी फंसना, ठीक है, मैं मोबाइल से देखता हूँ, तो कई बार कल भी शायद ऐसे कुछ गलती हो गई थी मेरे ख्याल से वीडियो में, मैंने किसी चीज को गलत बोल दिया था, बाद में आप लोगों ने नीचे कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का ध्यान था, तो कई बार ऐसे एक जैसे दिखता है धोखे से बुला जाता है, मुंह से निकल जाता है, क्योंकि मोबाइल से देखने के बाद धोखा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंसनेड, इंसनेड यानी होता है फंसना, क्योंकि इट हैज बीन इंसनेड यानी वो फंस गया था,
वो फंस गई थी, कौन? बिल्ली। सून, जल्दी ही। द हंट।